तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप अपने मोबाइल में मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं या फिर बोल सकते हैं हॉटस्पॉट अगर आप देते हैं किसी अपनी फैमिली मेंबर को या फ्रेंड्स को, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हॉटस्पॉट एक बहुत ज्यादा आजकल यूज होने वाला एक फीचर है। बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, बट इसकी आधे से ज्यादा जो सेटिंग, जो हिडन सेटिंग होती है, बहुत कम लोगों को ही पता होता है। दोस्तों तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे जो मैं सेटिंग बताने वाला हूं। अगर आप उसको इनेबल करेंगे तो आपको काफी उसका फायदा होने वाला है। तो चलते हैं आगे दोस्तों। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल हॉटस्पॉट की हिडन सेटिंग। मोबाइल हॉटस्पॉट तो हर आदमी यूज करता है आज की डेट में, सब अपने मोबाइल में इसको यूज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं उनको मजबूरी है, उनको हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ता है क्योंकि फ्रेंड्स को और फैमिली को देना पड़ता है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमने अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करा और सामने वाले ने पूरा नेट ही खत्म कर दिया। ये तो अक्सर लोगों के साथ होता है और मेरे साथ तो ये हो चुका है। तो ये वाली जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ डेफिनेटली आपके बहुत काम के आने वाली है। तो इसको सबसे पहले बता दूं कैसे। अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे, आपको अगर मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करना है तो आप यहाँ से उसको सिंपली प्रेस करके और ऐसे करके उसको ऑन तो सभी कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप इसको यहाँ से दबा के रखेंगे तो आप डायरेक्ट सेटिंग में पहुंच जाएंगे और लोग इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर लेते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा इजीली हो जाता है। जो मेन सेटिंग बताने वाला हूँ उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर नीचे कन्फिगर में क्लिक करना है। कन्फिगर में क्लिक करने के बाद आप ये नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एडवांस में। एडवांस में आने के बाद तो सबसे पहली जो सेटिंग है, सबसे पहली जो हिडन फीचर है, वो है ब्रॉडकास्ट चैनल को लेके। यहां पर क्या होगा दोस्तों, आप यहां पर सेट कर सकते हैं कि अगर आपने अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करा है तो कितनी डिवाइस कनेक्टेड हो। लाइक ऐसा होता है कि आप घर में और आपने एक अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करा किसी के लिए और दूसरे ने भी उसको यूज कर लिया और पूरा डेटा आपका यूज कर लिया, ऐसा भी होता है। तो लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी एक बंदे के लिए यूज करा या दो बंदे के लिए, तो आप उसमें उतने लोगों को सिलेक्ट कर ले। अब क्या होगा, कोई तीसरा बंदा अगर इसको ज्वाइन करना चाहेगा आपके वाईफाई को तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि आपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि दो से ज्यादा इसको कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है हिडन, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड बताने वाला हूँ, जो कि तो बहुत काम का फीचर है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमने किसी को हॉटस्पॉट खोल के दिया और उसने पूरा का पूरा डेटा हमारा एक दिन का पूरा डेटा निपटा दिया, तो हम तो लग गए यार, हम क्या करेंगे पूरा दिन। तो ये आपका डेफिनेटली बहुत काम का फीचर है। आप देख रहे हैं जैसा कि मेरे मोबाइल में अभी हॉटस्पॉट ऑन है और यहाँ पर यूज देख रहे हैं कि इतने KB का यहाँ पर डेटा यूज हो और यहाँ पर अनलिमिटेड पे टिक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 50 MB, 50 मैंने लिखा और यहाँ पर MB लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक 50 MB जैसे ही यहाँ पर यूज होगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिमिट दिख रहा होगा, जैसे ही यहाँ पर नेट 50 MB यूज होगा, चाहे दो डिवाइस मैंने लिखा हुआ है दोनों में से कोई भी 50 MB यूज कर लेगा टोटल, वो ऑटोमेटिक मेरा हॉटस्पॉट वहां पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि वहां पर आपका डेटा वहां पर सेव हो गया। आप यहां पर 50 MB की जगह 100 MB, 200 MB या जितने MB भी आप लगाना चाहते हैं, आप चाहे 10 MB भी यहां पर लगा सकते हैं। जैसे ही वहां 10 MB का डेटा वो खर्च करेगा और ऑटोमेटिक आपका हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा, इससे आपका डेटा काफी हद तक बच जाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आपने ऑन करा और जान दो डाउनलोडिंग और डेटा पूरा खत्म हो जाता है। तो आप इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ताकि आपका मोबाइल का डेटा वहां पर सेव रहे। तो ये फीचर तो मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि होता ही है कि हम देते तो हैं किसी को पर लोग बिना बताए पूरा डेटा यूज कर लेते हैं, बाद में हमें दिक्कत होती है। तो आप इसका यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका मजा आने वाला है। और एक चीज और, मान लो आपने यहां पर 50 MB सेट तो कर दिया, अब आप चाहते हैं यार नहीं यार अब मेरे को खुद को यूज करना है तो उसको ज्यादा डेटा दे दिया जाए, तो आप यहाँ पर सेट मोबाइल पे करेंगे और यहाँ पर कर देंगे सेट नो लिमिट। अब यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होगी और जितना मर्जी चाहे डेटा वहां पर यूज कर सकता है। तो सेकंड जो हिडन फीचर था वो यही था। उसके बाद जो थर्ड हिडन फीचर है दोस्तों, वो है यहाँ पर सबसे लास्ट में वाईफाई शेयरिंग का। मतलब कि अगर आपने अपने डिवाइस को वाईफाई पे कनेक्ट करके रखा है या फिर कोई नेटवर्क से कनेक्ट करके रखा है और अगर आप चाहते हैं कि वाईफाई का जो नेट है वो आप डायरेक्ट शेयर करें किसी को, आपके मोबाइल का डेटा वहां पर शेयर ना हो, तो आप यहां पर इस पर क्लिक कर लीजिएगा। वाईफाई पे कनेक्ट करने के बाद उससे होगा क्या, आपका जो मोबाइल का डेटा है वहां पर हॉटस्पॉट पे नहीं जाएगा, हॉटस्पॉट तो आपके मोबाइल का ही ऑन होगा, बट जो डेटा जाएगा आपका वाईफाई का, मतलब वाईफाई डेटा शेयरिंग होगा, उससे आपके मोबाइल का कोई भी डेटा वहां पर नहीं जाने वाला। तो ये भी सेटिंग बहुत कमाल की दी हुई है। यहां पर एक सेटिंग और है, यहां पर ये दी हुई है प्रोटेक्ट मैनेजमेंट फ्रेम्स। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे इससे क्या होगा, आपके मोबाइल की सिक्योरिटी अच्छी तगड़ी हो जाएगी, कोई भी आपके डेटा के साथ कुछ नहीं कर सकता, बट इसकी एक लिमिटेड
एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर कोई पुराना मोबाइल है और उस अब तक अपडेट नहीं हुआ है तो उसमें वहाँ पर नेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी या फिर हो सकता है वो हॉटस्पॉट कनेक्ट ना हो, तो आप इसको ऑफ ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर मैंने आपको 3 सेटिंग बताई जो कि बहुत ही कमाल की सेटिंग है। मुझे तो सबसे अच्छी सेट मोबाइल डाटा लिमिट वाली लगी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला फीचर पता था या बोल सकते हैं या फिर हिडन सेटिंग आपको पता थी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। बट सबसे जरूरी चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।